हमीरपुर पहुंचे केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर, बाजार में निकाला पैदल मार्च, दिवाली मिलन समारोह में की शिरकत, कांग्रेस पार्टी पर साधा निशान। अंतर्राष्ट्रीय लवी मेले का आगाज, राज्यपाल शिव प्रताप ने किया उद्घाटन, 14 नवंबर तक मनाया जाता है लवी मेला। अस्थायी भवनों में चल रहे स्कूल, अस्थायी भवनों के निर्माण का इंतजार, आपदा में 25 स्कूल हुए थे क्षतिग्रस्त, आस्था के मंदिरों में चल रहे शिक्षा के मंदिर। दिवाली पर्व की धूम, हर तरफ फ्रूट वेजिटेबल से बनाई जबरदस्त मिठाइयां। कुल्लू की पहाड़ियों पर बर्फबारी, पर्यटन कारोबार बढ़ने की उम्मीद, आपदा के बाद बंद पड़ा था पर्यटन कारोबार। क्रिप्टो करेंसी के बाद एक और ठगी का मामला, मंडी में फॉरेक्स ट्रेडिंग घोटाला, पुलिस ने दो लोगों को किया गिरफ्तार, दिल्ली एयरपोर्ट से एक आरोपी पकड़ा गया। मंडी में स्वास्थ्य विभाग की टीम सख्त, हलवाइयों के पास से घातक रंग बरामद किए, रंगों को मौके पर ही किया गया नष्ट। ऊना के दौरे पर राष्ट्रीय देवभूमि पार्टी अध्यक्ष, लोकसभा की चारों सीटों पर चुनाव लड़ेगी पार्टी, नशा माफियाओं के खिलाफ करें सख्त कार्रवाई, मांग उठाई। ग्राम पंचायत तीसा दो की बड़ी लापरवाही, सरकार के पैसे का हो रहा दुरुपयोग, सरकारी सीमेंट हुआ खराब, 20 से ज्यादा सीमेंट के बैग खराब। प्राचीन प्रसिद्ध डिपकेश्वर महादेव शिव मंदिर पहुंचे श्रद्धालु, सोमवती अमावस्या के अवसर पर की पूजा अर्चना, महादेव मंदिर में हजारों साल पुराना गुफा में भोलेनाथ शिव शंभु शिवलिंग विराजमान। चम्बा बस अड्डे के पास बाइक दुर्घटनाग्रस्त, दो व्यक्ति सवार रावी नदी में जा गिरे, पुलिस अधीक्षक ने लापता लोगों को जल्द से जल्द ढूंढने के दिए निर्देश, पीड़ित परिवार को हर संभव सहायता का आश्वासन। केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर का सुक्खू सरकार पर निशाना, कहा हिमाचल में कांग्रेस की गारंटी झूठी, छत्तीसगढ़ में महादेव ऐप के नाम पर घोटाला। हिमाचल में अर्ली स्नोफॉल, टूरिज्म के लिए अच्छे संकेत, बर्फ देखने की चाहत में पहुंच रहे हैं पर्यटक, होटलों में 50% डिस्काउंट। हिमाचल में पहाड़ों पर बर्फबारी, मनाली ले और ग्रामफू समदू हाईवे बंद, तापमान 10 डिग्री गिरा। बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा की बुआ का हुआ निधन। सूखे मेवों ने हलवाइयों की उम्मीदों पर फेरा पानी, दीपावली पर हलवाइयों के चेहरे पर आई मायूसी, सूखे मेवों को दीपावली गिफ्ट देने का बढ़ा प्रचलन। प्रदेश सरकार में पंचायती राज के लिए चला रही योजनाएं, योजनाओं का आम जनता को हो रहा फायदा, तीसा में स्टाफ की कमी आई। सांसद प्रतिभा सिंह ने मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू से की भेंट, मुख्यमंत्री आवास ओक ओवर में हुई मुलाकात, सीएम सुक्खू के पूर्ण स्वास्थ्य रहने की कामना भी की। हर जगह विश्वकर्मा दिवस की दिखाई दी धूम, शिमला में मनाया गया धूमधाम से, मंदिर में औजार और मशीनों की हुई पूजा। हिमाचल में दिखी दिवाली की धूम, रंग बिरंगी रोशनी से जगमगाए शहर, मुख्यमंत्री नाथ बच्चों के साथ मनाई दिवाली।